23 फरवरी यानी चौथे चरण को लखीमपुर में मतदान होना है। हम लखीमपुर की गोला विधानसभा में मौजूद हैं। तमाम लोग हैं यहाँ पे, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी हैं। हम सबसे बात करेंगे कि आखिर चुनावी माहौल क्या है, जनता इस बार किस आधार पे वोट देने जा रही है। दादा, लखीमपुर की गोला विधानसभा का क्या माहौल है, किसको पसंद कर रहे हैं आप लोग? योगी मोदी को। अच्छा, आपके यहाँ से जो भाजपा विधायक अरविंद गिरी जी, 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, कैसा रिपोर्ट कार्ड है, कितने नंबर आप देंगे? 100 में 100। 100 में 100। क्यों दादा, क्या लग रहा है इस बार, किसका माहौल है लखीमपुर में? केवल भाजपा का। भाजपा का। अच्छा, आपसे पूछूंगा क्या भाजपा का है, और हमारे विधायक जी का भी बहुत बढ़िया वो है। अच्छा, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता तो कहते हैं कि भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा महिलाएं परेशान है महंगाई से। क्या कहेंगे, महंगाई के साथ साथ सुविधा भी तो मिल रही है, इतनी महिलाओं को हर सुविधा मिल रही है। और हम लोग खुद गाँव में जाते हैं, हर घर में जाते हैं, सब महिलाएं कहती है हमें तो भैया मोदी जी ने मकान दिया है, मोदी जी ने हमें राशन दे रहे हैं, हम तो खाना खा रहे हैं। सब मतलब महिलाएं खुश हैं, और हमारा कमल बहुत अच्छा खिलेगा। योगी सरकार के 5 साल को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छे से देखा है। हमें सरकार से जो उम्मीदें थी, रोटी कपड़ा और मकान, सारा का सारा हमें लोगों को मिला है। और हमें सरकार से और जो भी अपेक्षाएं हैं शिक्षा के माध्यम से, उम्मीद है योगी आदित्यनाथ जी उसे भी अवश्य 5 साल के कार्यकाल में फिर पूरा करेंगे। दादा, क्या लग रहा है, 5 साल योगी सरकार, इससे पहले भी पिछली सरकारों में क्या कमी रह गई? देखिए, इससे ऐसा है कि योगी जी के आने से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल गई है। आज जहां महिलाएं आपको हर समय अपने स्वाभिमान के साथ सड़क पर दिखाई पड़ेंगी, चाहे रात का समय हो चाहे दिन का समय हो, बिजली आपको पिछली सरकारों के अपेक्षा, अब किसान हो या आम आदमी हो, व्यापारी हो, उसको बिजली भरपूर मिल रही है। बिजली से लेकर स्वास्थ्य से, जो स्वास्थ्य की समस्याएं थी वो भी दूर हो गई। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, एम्स बने हैं, और निरंतर युवाओं को बिना किसी घूस के रोजगार मिला है। उनकी योग्यता के आधार पर उनको नौकरी मिली है। इससे बेहतर मुख्यमंत्री नहीं हो सकता उत्तर प्रदेश के लिए। योगी जी में उत्तर प्रदेश की जनता अपना सारा भविष्य देख रही है, इसलिए पूर्णतः आपको 300 प्लस उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनेगी। दादा, आप तो काफी बुजुर्ग आदमी, काफी पहले से आपने काफी ढेर सारी सरकारों के कार्य करने का तरीका देखा है, कौन पसंद है आपको सबसे ज्यादा? योगी और मोदी दोनों ही। योगी और मोदी, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, डबल इंजन की सरकार आपको पसंद है? दोनों बहुत अच्छा काम, ऐसा ही होना चाहिए, इतनी शक्ति। बाकी दल के नेता मंच से बहुत जोर जोर चिल्ला रहे हैं कि अब की परिवर्तन होने जा रहा है। सब फर्जी है, सब बेकार है, कोई नहीं, भाजपा के अलावा कोई नहीं जीतेगा। अच्छा भैया, थोड़ा आगे आना, नौजवान आदमी हो, क्या लग रहा है इस बार क्या सरकार बनेगी योगी की? और फुल बहुमत से बनेगी। जी, अच्छा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता तो कहते हैं सबसे ज्यादा युवा परेशान है भाजपा सरकार में, क्या कहें? ऐसा कुछ नहीं, युवा सब खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। जब जड़ ही हमारी मजबूत रहेगी तभी जो है युवा भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा दादा, जैसे काशी मथुरा गोला विधानसभा भी मिनी काशी, छोटी काशी कहा जाता है, क्या लगता है आपको कि यहाँ पे काम हुआ है और काम होने की जरूरत है अभी? ये छोटी काशी जो है, इसमें इतना विकास हुआ है कि हम गांव में जब जाते हैं तो देखते हैं क्या परिवर्तन, सब शहर ही हो गए। तो हम इस भाजपा सरकार से बड़े खुश हैं। इस बार फिर आप लोग फिर यही चाहते हैं? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने कहा बीजेपी सरकार आपको काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन इस बार तो प्रियंका गांधी जो है एक्टिव है, कांग्रेस की नेतृत्व कर रही यूपी में, कह रही है 40% सीटें उन्होंने महिलाओं को दी हैं, कह रही महिलाओं के मुद्दे पे सरकार फेल है, इसलिए 40% सीटें महिलाओं को दी जा रही है, कितना सही मानती हैं? मैं इस चीज को गलत मानती हूँ, क्योंकि वो लड़की है, लड़ सकती हूँ का नारा देती है, लेकिन वो लड़की है कहाँ से? ठीक है, और जैसे देश केंद्र में मोदी जी जरूरी है, वैसे ही प्रदेश में योगी जी जरूरी है, और उनके बाद गोला शहर में, छोटी काशी में हमारे माननीय अरविंद गिरी जी जरूरी हैं, इसलिए उनको हम लोग भारी मतों से, भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे, मंत्री बन गए। मोमडन महिलाएं हम लोग खुद मिले हैं, भ्रमण करा, मोमडन महिलाएं 3 तलाक वाले, उससे बहुत खुश हैं योगी, और सब सपोर्ट में हैं हम लोगों के, भाजपा सरकार सब सपोर्ट, और थोड़ा विधायक जी का अपना भी पर्सनल। माननीय अरविंद गिरी जी का एक ही नारा है,
सबका साथ सबका विकास, भाईचारा, एक ही नारा। और हम लोग चाहते हैं कि भारी बहुमत से वो विजयी होंगे, क्योंकि हम लोग ने कन्विंसिंग किया है देहातों में, शहरों में भी करते हुए रेखा मिश्रा जी में हम लोग मिलकर किया हुआ है। बहुत अच्छा वोटिंग इनका और बहुत लोगों के प्रिय है, मैं इनके लिए हम लोग जी जान। अब की तो ओवैसी भी चिल्ला रहे हैं मन से, कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, मुसलमान उनके साथ है, मुसलमान हमारे अरविंद गिरी जी के साथ में है ना, हम लोग ने गाँव में किया है मुसलमानों के साथ में। मैं बता रहा दादा, वो 23 तारीख के बाद जनता अपनी लाइन लगा करके जब पहला वोट देगी तो उसके बाद में 10 मार्च को जवाब आ जाएगा जो भी होगा। तो भैया नौजवान आदमी हो, क्या लगता है कि अगर बात करें चलो समाजवादी पार्टी की, पार्टियां बहुत सारी हैं, तो समाजवादी पार्टी सरकार की नीति में क्या कमी लगती है आपको? बहुत सी ऐसी कमी है जो जनता देख रही है और उसी को देखते हुए वोट कर रही है जनता। युवाओं का यही नहीं है कि नौकरी मिल जाए और गुंडागर्दी पेल के हो जाए, नौकरी भी इस सरकार में मिली है और गुंडागर्दी जितनी भी थी वो समाप्त है, और यही कारण है जो बीजेपी पूर्ण बहुमत से विजयी प्राप्त करेगी। अभी आपने जो ये सड़कों का जाल देखा है, क्या पूछा आपने? माननीय विधायक जी ने जो अभी सड़कों का ये बनवाया हुआ है, हर चौराहे से लखीमपुर जाने के लिए पहले बहुत ही प्रॉब्लम होती थी, रोड नहीं था, लेकिन अब युवा चाहें तो उन सड़कों किनारे जो टोल प्लाजे बन रहे हैं वहाँ पर अपने आत्मनिर्भर, मोदी जी का जो संदेश है आत्मनिर्भर, मैं बराबर आती हूँ, मैं देखती हूँ उस चीज़ को, उसमें अगर रोजगार चाहें तो युवा अपने लिए कोई भी शॉप खोल सकते हैं, जैसे ढाबा खोलते हैं, जो देहातों में औरतें कंडे बना बना रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। बिल्कुल बढ़ाए गए हैं रोजगार के अवसर। गोला से लखीमपुर के जो रोड गए हुए हैं वहाँ पे टोल प्लाजा ही बन रहा है, अगर वहाँ पे होटल खुल गया, किसी ने ढाबा खोल दिया, रोजगार ही है, जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी ही रोजगार होती है, अपना प्राइवेट भी होता है। उस पे कि आत्मनिर्भर का संदेश मोदी जी ने हम लोगों को दिया है, आत्मनिर्भर बनने का तरीका उन्होंने, हम लोग बहुत सारे तरीके से हम लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं। घर का किचन विचन मैनेज करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? कोई कह रहा था सिलेंडर बहुत महंगा है। खतरा नहीं है भैया, हमारे पास तो मकान नहीं था, हमें तो मकान मिला है भैया, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको मकान मिला। जी जी भैया जी, हम तो झोपड़ी में रहते रहे आज तक, जो नहीं रहते आप उसी मकान में रहती हैं जिसका लाभ आपको सरकार से मिल रहा है। तो एक सवाल आपसे मैं पूछूंगा, बाकी पार्टी के नेता लोग चिल्लाते हैं कि मकान का जो मानक है बिल्कुल सही नहीं है, शौचालय जो है वो बिल्कुल खराब है, क्या कहेंगे? भैया ऐसा नहीं है, हमारे लिए तो भैया सही है, हम तो जहाँ जाते हैं यही लोग कहते हैं बचा नहीं है। अभी इनके पास कुछ बचा नहीं है, ये ऐसे ही मुद्दे उठा उठा के खाली दिखा रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है और जनता पूर्ण बहुमत से सपोर्ट कर रही है बीजेपी को और बहुत अच्छी जीत भी होगी। योगी सरकार के दो सबसे अच्छे काम कौन से लगते हैं आपको? योगी सरकार के दो सबसे अच्छे काम, पहली बात तो ये आप देख लीजिए, बहुत से ऐसे लोग थे, क्राइम भी खत्म हो गया वो तो है ही, और एक चीज ये देख लीजिए जो अभी पहले नहीं हुए थे कार्य, जो लोग तरस रहे थे छत पे रहने के लिए, जैसे छत, जिनके सर पे छत नहीं थी वो दिन भर मजदूरी करते थे, उसके बाद में शाम को उनके पास उतना ही पैसा होता था जिससे कि वो राशन ले आ पाते थे और खा पाते थे, बनाने की तो वो सोच भी नहीं पाते थे ना पहन पाते थे, आज वो है, उनके पास छत भी है और वो पैसा कमा रहे खाने के लिए, गवर्नमेंट दे रही है, और जो भी पैसा बच रहा है वो अपने सेव कर रहे हैं और अपने कपड़े सही से पहनने, मान लो रहना उठना बैठना उनका सब अच्छा हो रहा है, सबसे बेटर हो रहा है, और यही इन लोगों को तकलीफ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो गरीब है वो गरीब ही रहता। इक्वालिटी की बात कर रहे थे, जैसे कि मोदी जी हमारे और एसएसपी योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे कि समानता इक्वालिटी लाएंगे, तो इक्वालिटी आ रही है और वो आएगी भी। क्या बता रहे हैं अम्मा? राशन, हम कह रहे हैं राशन इतने दिनों में किसी के उसमें नहीं मिला, अब तो दो दो बार राशन फ्री मिल रहा हम लोगों को, और घर रहने के लिए छत भी मिली है और बाकी सब अच्छा खासा विकास हो रहा है, सब खुश है, सब बहुत खुश है। उनका नारा गलत है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नहीं बोलना चाहिए, वो लड़की है कहाँ से जो बोलती है, वो तो औरत है पहले अपने और उनके बच्चे। पहली बात तो देश में लड़ाई की जरूरत ही नहीं है, लड़ने की बात आई कहाँ से, लड़ाई की जरूरत नहीं है, देश में प्रेम की जरूरत है, प्रेम फैलाओ, लड़ाई वाली बात असंवैधानिक तरीके से ये जो बातें कहते हैं ये सारी गलत है, ये सिर्फ मुद्दाएं ढूंढते हैं और कुछ नहीं है इनके पास। हम आप राशन के बारे में बता रही थी तो आपसे पूछूंगा कि बाकी दल तो कह रहे थे कि कोरोना जब था तो सरकार पूरी तरह से विफल थी, अगर ढंग से काम करती तो राशन बांटने की जरूरत ना पड़ती, क्या काम करे, पहले से ही वो दे रहे थे राशन हम लोगों को, हम लोग को सरकार नहीं होती ना तो हर घर से राशन निकलती, कोई बटोरने वाला नहीं मिलता। दादा क्या कहेंगे, जब कोरोना जब फैला तो सरकार का मैनेजमेंट कैसा था? मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी का स्वर्गवास हुआ कोरोना काल में, लेकिन वो अपने पिताजी को छोड़ करके अपनी जनता को संवारते रहे, ऐसा दिख रहा था, एक महायोद्धा बहुत जोर से अपने युद्ध स्थल पर कूद रहा है। कल योगी जी शायद आ रहे हैं ना? हाँ जी, योगी जी आ रहे हैं। कैसी ऊर्जा है? बहुत अच्छी, अब तो आएंगे और जनता का जनार्दन वहाँ पर देखेंगे, वो भी प्रभावित होंगे कि मालूम पड़ेगा उनके साथ कितनी जनता प्रभावित कर रही है। बाकी कोई दल
एक्टिव नहीं है क्षेत्र में? नहीं, कोई नहीं, कोई है ही नहीं यहाँ। अगर भी विचार करेंगे किसी और के बारे में, जो भी लोग हैं सिर्फ राजनीति रोटी सेकते हैं। जनता ये समझ चुकी है कि जो हमारे लिए बेटर है हम उन्हें चुनेंगे, और वो कर भी रही है, चुनेंगे भी। कल यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हो रहा है, वहाँ पे भारी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। हाँ, कल जितने माफिया हैं उनके पैर डगमग डगमग हलने लगे हैं अभी से। वो सोच रहे हैं क्या हो रहा है, कैसे क्या कर रहे हैं सब लोग। जनता एकजुट हो चुकी है और सब सारी जनता समर्थन भी दे रही है। भैया थोड़ा सा आगे आइएगा कि गठबंधन समाजवादी पार्टी कई दलों का गठबंधन, वो कह रहे हैं कि आम आदमी जो 5 साल पहले मोटरसाइकिल चलता था, हवाई चप्पल पहनता था, उसकी स्थिति अभी भी वैसी वैसी है क्या? नहीं, बिल्कुल सम्मान तरीके से रहते हैं। यहाँ हमारे देश में पिछड़े जात में जो रोटी कपड़ा और मकान की समस्याएं थी वो योगी जी और मोदी जी मिलकर खत्म कर दिया उसको, ठीक है। बहुत सकून से रह रहे हैं, भाईचारा से रह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि 5 साल में कोई क्राइम नहीं हुआ। सपा की गवर्नमेंट में लोगों के यहाँ दिन में डकैती पड़ी है, लोगों के यहाँ दिन में लूटे गए हैं, मान सम्मान खराब किया, महिलाओं को निकलना मुश्किल था। आज की ये पोजीशन है कि 5 साल हो गए कोई क्राइम नहीं, बहुत शांति तरीके से रह रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। दूसरी बात, अगर कहीं कोई घटना हो जाती किसी गांव में तो पीसीएस आईपीएस अधिकारी जो जिला चलाते हैं हमारे, अगर वो जाते तो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर पाते थे। अगर इंस्पेक्टर सीओ साहब अगर उनके बैठे हैं तो इंस्पेक्टर सीओ उनका काम करते थे। डीएम और एसपी साहब अपनी मर्जी से कोई आश्वासन नहीं देते थे किसी को, ना कोई काम करते थे, सब अधिकारी उनके थे। अभी आपने पिछड़ों की बात की तो मैं आपसे पूछूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य योगी सरकार में 5 साल मंत्री थे, अभी चुनाव के समय ये कहकर पार्टी छोड़ के भाग गए कि पिछड़ों का उत्पीड़न हो रहा था सरकार में, क्या कहेंगे? नहीं, वो सब नेताओं लोग करते थे। मोदी जी तो एक समान सबको देख के चले हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यादव समाज हो, चाहे दलित हो, कोई हो, सबको एक तरीके से एक नजर में एक माला में सबको पहुँच के चले हैं और सबका सम्मान सबकी इज्जत दिए हैं। मैं भैया पूछूंगा आपसे, कई नेता थे दल बदल किया उन्होंने, 5 साल सत्ता में रहे उसके बाद विपक्षी दलों में भाग के भाजपा की बुराई करने लगे, ऐसे नेताओं को जनता पसंद करेगी क्या? बिल्कुल नहीं, वो मौका परस्त लोग थे, ठीक है। वो बरसाती मेंढक हैं, उनको लगा कि कहीं ना कहीं हमारा टिकट कट रहा है, वो जनता के बीच लोकप्रिय नहीं थे, तमाम नाकामियां थी उनके अंदर, उनको अपना टिकट कटने का डर था, तभी वो लोग पार्टी छोड़ के गए हैं और इस चुनाव में जनता उनको करारा जवाब देगी। एक सवाल और पूछूंगा आपसे दादा, गठबंधन अब की बहुत जोर पकड़े हुए है, सब जगह रैली वैली चल रही, कह रहे हैं 350 पार। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता जन जन के दिलों में वास कर रही है। हम गांव गांव जा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, गरीब आम जनमानस जो किसी भी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता है वह मोदी जी की नीतियों में और मोदी जी के कार्यों से अत्यंत प्रसन्न है और मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित है, वह मोदी जी पे अटूट विश्वास रखती है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस बार 350 पार होगी। तो कुल मिला के लखीमपुर की गोला विधानसभा में हमने तमाम लोगों से बात की, इनका साफ तौर पे कहना है कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास के भरपूर काम किए, यही वजह है कि जनता उनकी नीतियों को और काफी ज्यादा पसंद कर रही है और जनता एक बार फिर उनको अपना समर्थन और स्नेह देने जा रही है। विजय बाबूलाल के साथ उमंग पांडे, इनसाइडर लखीमपुर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।